सैल्यूट पेश करते हुए बुल रहे हैं। तीसरा दस्ता उनका आगाज होगा बैंड इस सिलसिले में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। सो गाइस, स्वागत है मेरे न्यू फ्रेश व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह 8:45 बजे। तो गाइस, सबसे पहले सबको मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज है रिपब्लिक डे 26 जनवरी। तो आज तो मौसम बिल्कुल साफ हो गया, मैंने सोचा बारिश होगी तो नहीं, मैंने अभी बाहर जाकर देखा पूरा साफ साफ मौसम है आज। तो मैं यासर को बोल रहा हूँ चल चलते हैं जहाँ पे सेलिब्रेट होगा वहाँ पे। पिछली बार गए थे हम इंडिपेंडेंस डे पे तो बुरा हाल हो गया था, बारिश में पूरे भीग गए थे, आपने देखा होगा। तो जिसने नहीं देखा वो पूरा व्लॉग भी जाकर देखे। तो सो फाइनली गाइस, टाइम हो चुका है 8:20 हो चुके हैं। तो मैं रेडी होकर ऊपर आया टेरिस पे, यासर हमेशा लेट कर देता, उसको बड़ी मुश्किल से मैंने बोला तैयार रेडी हो चलते, तो मैं आ गया हूँ रेडी होकर ऊपर। तो ये देख सकते हैं आज कितना मस्त मौसम है, कितनी अच्छी खासी धूप लगी हुई है। ओहो, 3-4 दिन बाद आप धूप निकली आज, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है अभी। टाइम हो चुका 9 बज चुके हैं देख सकते हैं आप, और यासर अभी तक नहीं रेडी हुआ। यासर, यासर जल्दी कर ले यार, इतनी लेट कर रहा, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी चला जा, निकल निकल यार जल्दी कर, शाबाश जल्दी कर। देखो इस रूम में से निकल के उस रूम में चला गया, अब क्या बोलूं मैं इसको, यासर जल्दी कर। तो भेज इधर पढ़ रहे हैं कुरान पाक, माशाल्लाह। डैडी जी मोड़ रहे गाड़ी, यासर निकलने का नाम ही ले रहा, देखो बहुत गंदा लड़का है। भागो 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 भागो, हम गाड़ी से उतर चुके हैं और जा रहे हैं सीधा आगे। देखे हमने सोचा हम लेट हो चुके हैं लेकिन अभी तो लेट नहीं हुए, चल चलते हैं सीधा आगे और देखते हैं। आज मैं दिखाता हूँ हम सेलिब्रेट कैसे करते हैं रिपब्लिक डे। गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे लेकिन अभी हुआ नहीं है कुछ भी, ये देख सकते हैं। हमने सोचा स्टार्ट हो गया होगा लेकिन अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने सोचा था 8:30 बजे फ्लैग मतलब फ्लैग होस्ट हो जाएगा, तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। रेड बस अभी तक स्कूल भी नहीं पहुंचे परेड वाले, तो ये देख सकते हैं अब जैसे ही पहुंचते हैं परेड स्टार्ट होगी, मैं आपको दिखाऊंगा वहां आगे से दिखाऊंगा। बाकी यासर इस तरफ है, यासर चले। तो गाइस अभी स्टार्ट होने वाली है परेड, लगभग 15-20 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी, तो बने रहिए वीडियो में, दिखाता हूं आपको। क्या देख सकते हैं ये कुछ विजुअल्स हैं यहाँ के, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, अभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे बैठने के लिए, जैसे ही प्रिंसिपल साहब चीफ गेस्ट आएंगे वैसे ही झंडा लहराया जाएगा। फाइनली गाइस चीफ गेस्ट आ चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हैं एसडीएम और जो भी हैं चीफ गेस्ट आज के वो आ चुके हैं यहाँ पे। तो अभी झंडा लहराया जाएगा इंडियन फ्लैग। करने के लिए मातरमा
कॉलेज मैनर के बच्चे अपनी जगह से चलना शुरू हुए हैं। उसी के साथ बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल मैनर का तीसरा दस्ता, एनसीसी का तीसरा दस्ता जिसको तरतीब देने में हमारे इंकलाब साहब मास्टर बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल मैनर इनका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। न्यायती फुर्तीले अंदाज में छोटे छोटे अकदाम के साथ झंडे के सामने से सलूट पेश करते हुए गुजर रहे हैं। तीसरा दस्ता ये जो झंडे की ओर डिग्री कॉलेज के बच्चों के बिल्कुल पीछे है एनसीसी बॉयज मेंटर का दस्ता है जो कि अभी तीसरे नंबर पर यहां से आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगा झंडे को सलामी पेश करने के बाद। उनके कमांडर जो है कमांड दे रहे हैं झंडे को सलूट पेश करते हुए धीमी रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी के साथ मंजर की तरफ बढ़ते हुए झंडे को सलामी पेश करते हुए नहायत ही खूबसूरत और दिलकश अंदाज में दिल को मोह लेने वाली रफ्तार के साथ ये बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं। इन्हीं के पीछे हमारे मॉडल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मैनर की बच्चियों का दस्ता जो है वो भी नहायत खूबसूरत अंदाज झंडे को सलामी पेश करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे गुजरता हुआ। इसके साथ ही बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल मैनर के बच्चे आज ये बेहतरीन नजारा पेश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज इनकी चार दांत को देख के लगता है कि हमें किसी बड़े इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है कि टीचर वो कमाल कर सकता है, उसके अंदर वो सलाहियत है, वो एक्टिविटीज करवा सकता है, वो हुनर उसके अंदर मौजूद है कि वो कहीं भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ सकता है। इसमें विक्रम बसीन साहब, अबरार साहब और हमारे फिजिकल लेक्चरर मीरान साहब का बहुत बड़ा रोल है। गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मॉडल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मैनर का ये बच्चियों का दस्ता न्याय की फुर्तीले अंदाज में चुस्त अंदाज में झंडे को सलामी पेश करते हुए आगे गुजर रहे हैं। इनके वालिद साहब जो है उनकी मेहनत लगती है कि बच्चों को बनाने में एक उस्ताद का कितना रोल होता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होता है या डिपार्टमेंट होता है वो स्कूल में जैसे इंसान के जिस्म में रेल की हड्डी होती है वो ऐसा काम करता है। मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके प्रिंसिपल सर नकवी साहब वो यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं आपको इस स्टेज की जाने से सलूट करता हूँ। उसके आगे पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल मैनर
तबके की आवाज को दबाती हुई निकल चुकी है। दूसरा दस्ता केजीएम जो की मैनर के बच्चे, इन्होंने तो बिल्कुल ही हिंदुस्तानी आर्मी की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। मुझे लगता है कि ये बच्चे अगर हमारे मुल्क की सरहद की हिफाजत करेंगे तो हमारे मुल्क को किसी की दुश्मन की कोई नाकाम नापाक साजिश का खतरा नहीं होगा। अगर ऐसे बच्चे हमारे मुल्क के हाथों से नामोल किए जाए तो हमारा मुल्क बिल्कुल ही तरक्की की राह पर ऐसे काम कर रहेगा कि कोई कलर डालने की कोशिश नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान अकेडमी मैडर ये लंदन से अपनी पदभर और मस्त भरी चाल लिए हुए झंडे की तरफ बढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं ये पाकिस्तान अकेडमी मैडर। इसी के साथ इन गांव के मिशन के बच्चे सुपर चार में जुड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता झंडे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से सलामी देने का असूल बनता है, वहां वो पहुंच चुके हैं और वो झंडे को सलामी देते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे निकलेंगे। मैं अपने तमाम टीचर्स से जो बच्चों के साथ
फाइनली गाइस परेड कंप्लीट हो चुकी है, अभी कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में, मैं दिखाता हूँ आपको कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पे। बाकी ये देखे कितने रंग बिरंगे बच्चे आए हुए हैं। गाइस अभी कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले हैं, सारा सेटअप हो चुका है, देखें ये सब चीफ गेस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं चेयर पे नहीं बैठ सकता, इधर थोड़ी थोड़ी धूप लग रही है, इस वजह से मैं इधर खड़ा हूँ। तो गाइस यहाँ से थोड़ी शूट करता हूँ, तो अभी सेटअप हो रहा है, जल्दी से स्टार्ट होगा।
गाइस अभी प्रोग्राम चल रहा है लेकिन बहुत थक गया हूँ मैं खड़े होकर। यासर भी मिला था मुझे, यासर गया कैंटीन कुछ खाने के लिए, मैंने बोला था खा ले, भूख ब्रेकफास्ट नहीं किया था, भूख लगी होगी तो वो चला गया उधर। बाकी प्रोग्राम अभी चल रहा है रिपब्लिक डे का, ये देख सकते हैं आगे, और मैं तो खड़े होकर परेशान हो गया कि तो बहुत ठंड है उस तरफ। बाकी बने रहिए वीडियो में, ये देखें कुछ ऐसी रौनक लगी हुई है, पता नहीं कब तक चलेंगे घर वापस, तो बाकी बने रहिए वीडियो में। अभी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रिजल्ट अनाउंस हो रहा है उसके, तो साथ में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टेज पे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे ऊपर साइड पे, तो थोड़ी देर यहाँ रहते हैं फिर चलते हैं वापस। तो गाइस अभी प्रोग्राम कंक्लूड हो चुका है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, देख सकते हैं सभी बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे। तो हम आ गए इधर ग्राउंड में, अभी सोच रहे हैं चलते हैं मार्केट की तरफ। यासर को बुलाता हूँ मैं पहले, यासर इस तरह बैठा है, बाकी अभी चलते हैं 10 मिनट में निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। फाइनली गाइस अभी प्रोग्राम क्लोज हो गया है, अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, थोड़ा काम है मार्केट में, तो बने रहिए वीडियो में। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का, घर पे रह के बोर हो जाते हैं, इससे अच्छा है हम आगे, लेकिन पिछली बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो गाइस बने रहिए वीडियो में, अभी सभी लोग जा रहे हैं वापस, ये देख सकते हैं एक लास्ट बार, एक ये देखें हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, मतलब 9th से 12th तक हमने यहीं पर पढ़ा है, तो काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं इसको स्कूल के साथ, तो बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आकर। तो अभी चलते हैं सीधा मार्केट की तरफ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, मार्केट में अपना काम हो गया, अभी चलते हैं सीधा घर की तरफ। फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं घर। यासर यासर आज का प्रोग्राम नॉर्मल था, अच्छा था, बारिश नहीं हुई, बस अच्छे से हो गया, लेकिन बहुत थकावट हो चुकी है। यासर भूख लगी है? नहीं लगी ना, यासर को जूस पिलाया इसलिए भूख नहीं लगी। तो चलो चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, ठीक हो आप? क्या कर रहे हो, धूप लगा रहे हो? माशाल्लाह ठीक ठाक सब, अल्लाह चलो आपके लिए लाया। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका अपने रूम में। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है, बज चुके हैं 2:30 शाम के, दिन के 2:30। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ, कैसे हुआ तो ऐसे किया जाता है हमारे मेंडर में, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट सभी मिलजुल कर मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस मिलता हूं ऐसे न्यू फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।